नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, आप सभी के सामने ये साल चुनावी साल है और इस समय आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिनकी तैयारी आप एक बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। ये एक चुनावी साल है, भर्तियों का साल है और आप सभी को पता है सरकार जो होती है वो अंतिम समय में भर्तियाँ निकालती है। लेकिन आपको पता है कि जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं सीईटी का, उनको डर ये लग रहा है कि हम सीईटी में 15 गुना में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिएगा सभी बच्चे, अगर आप सीईटी को आपको लग रहा है आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सीईटी के अंदर, आप उन 15 गुना बच्चों में हैं तो बिल्कुल आप तो निश्चिंत हो जाइए। 15 गुना बच्चों में अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो 15 गुना बच्चों में आ जाएंगे आप और आराम से अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। तो आपके सामने तो लगभग सारी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि अपने सीईटी में मार्क्स कम है, हम उन 15 गुना के अंदर हो सकता है आ भी जाएं, हो सकता है नहीं भी आएं। तो जिनके मार्क्स कम हैं, अब उनको कौन सी तैयारी करना चाहिए जो सीईटी से बाहर है, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि जो भर्तियां सीईटी से बाहर होने वाली है, अर्थात जिनके अंदर सीईटी इंक्लूड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं मित्रों जिनके अंदर सीईटी नहीं लगेगी, अब आप आराम से उन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं जिनके अंदर सीईटी नहीं है। तो कौन कौन सी वो भर्तियां रहने वाली है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो आज अपन उनके बारे में बात करेंगे जो भर्तियां सीईटी से क्या होने वाली है, बताओ बाहर होने वाली है। देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पर आती है महिला एएसआई की वैकेंसी। कल परसों आप सभी ने देखा होगा एक पेपर में भी आई थी कि महिला एएसआई की भर्ती अटकी और कोचिंग वालों ने बैच स्टार्ट कर दिए। तो अखबार वाले क्या ये चाहते हैं भाई कि हम मतलब जब वैकेंसी आई तभी तैयारी करना चालू करें? अखबार वाले ये चीज तो छाप देते हैं उसमें कि कोचिंगों वाले ने क्लास स्टार्ट कर दी वगैरह। आप ये भी तो छापिए कि भाई जल्दी से जल्दी वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छा काम हो सके। तो आप सभी बच्चे भी अपने कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाना, इस वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अपन सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां आनी चाहिए जिससे कि बच्चों का सबका हित हो सके। बिल्कुल दोस्तों, तो ये थी महिला एएसआई की वैकेंसी, आपके सामने आने वाली है जल्दी ही, बिल्कुल जल्दी आने वाली है, आप तैयार रह जाइएगा। जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी, इसके अंदर सीईटी नहीं है। ये ओनली किसके लिए है बताओ? महिलाओं के लिए है और इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए आप। उसके बाद आरएस आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 3 महीने सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर है, तो आप इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई से, फॉर्म डाल दीजिएगा। इन दोनों के लिए आपके साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये भी सीईटी से बाहर है। बिल्कुल आरएस की मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो बनाई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नंबर 3 पर आती है सब इंस्पेक्टर की भर्ती। एसआई की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, ये भी ग्रेजुएशन चाहिए इसमें भी, तो याद रखना सब इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, ये भी जल्दी ही भर्ती आने वाली है। तो आप देखिए महिला एएसआई, सब इंस्पेक्टर, आरएस, ये तो आ चुकी है भर्ती, ये दोनों वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगी, सब सीईटी से बाहर है। संगणक भर्ती परीक्षा 14 अक्टूबर को इसका पेपर है बच्चों, याद रखना 14 अक्टूबर को पेपर है, ये भर्ती भी आपके सीईटी से बाहर होने वाली है। बात समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट भर्ती देखिए कृषि प्रयोगशक, आप सभी को पता है ये भी सीईटी से बाहर है, ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होती है कृषि प्रयोगशक की वैकेंसी। बिल्कुल, उसके बाद आपको पता है शिक्षक भर्तियां, जिसमें आप सभी को पता है भी जैसे रीट का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये कुछ एक भर्तियां रीट वगैरह की आपको थोड़ा लेट देखने को मिले, बाकी भर्तियां भी आने वाली है, आपको तैयारी का अच्छा मौका है, आज से अपनी तैयारी को चालू करें ताकि जब अगली भर्ती आए जब तक आपकी तैयारी के अच्छे मुकाम तक पहुंच जाए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ये सब तैयार रहना। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, आप सभी को पता होना चाहिए वैकेंसी अभी सीटी से बाहर है, इनके अंदर आप सभी को स्पेशल होना चाहिए मैथमेटिक, मैथ्स, बायो वगैरह 12th के अंदर आपका ये होना चाहिए और इनके लिए कुछ स्पेशल डिग्री भी चाहिए लैब टेक्नीशियन के लिए और रेडियोग्राफर के लिए। और अभी कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई संगणक के लिए क्या चाहिए, तो मैं बता दूं आप इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से या मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप संगणक का दे सकते हैं। आगे देखिए ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं, इनके लिए साइंस में साइंस बायो होनी चाहिए और उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर डिग्री भी लगेगी इनके अंदर, ये भी सीईटी से बाहर है। नेक्स्ट देखो ये दोनों वैकेंसी अभी अब नए पद सर्जित हुए हैं, ये तो ये भी जल्दी से जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी, आरएसी और आरआईएसएफ, ये भी सीईटी से बाहर होने वाली है, तो ये भी आपके सामने वैकेंसी, आज से तैयारी को चालू कर दें। लैब असिस्टेंट आपको पता है पीसीएम होना चाहिए या 12th के अंदर पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, तो आप लैब असिस्टेंट, ये 12th पास के लिए वैकेंसी होती है, तो ये भी आपके सामने वैकेंसी रहने वाली है, आप इस वैकेंसी में भी अपना काम कर सकते हैं, तो ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट अपनी वैकेंसी कौन सी आएगी बताओ, सूचना सहायक, बोलो कौन सी वैकेंसी है, सूचना सहायक वैकेंसी, ये भी किससे बाहर है बताओ, सीईटी से बाहर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी, ये भी सीईटी से बाहर है, जनवरी 2024 में इसके पेपर की डेट दी जा चुकी है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो सीईटी से बाहर है, ये मैंने आपको करीबन 13 वैकेंसी तो ये बता दी है बिल्कुल दोस्तों। इसके अलावा देखो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है, ध्यान रखना वो ईएमआरएस शिक्षक भर्ती है, ये भी निकली हुई है आपको मतलब छात्रावास के लिए। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको पता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी इंडिया लेवल पे आई हुई है, और रेलवे की वैकेंसी भी जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसियां खूब है मित्रों, तैयारी करने वाले में दम होना चाहिए, तैयारी करने वालों में ताकत होनी चाहिए, आप बस अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं, आप इन सभी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। जिनके सीईटी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तो बेसिकली सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन जिनके सीईटी में कम नंबर आ रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भी तैयारी को अपने अच्छे मुकाम तक पहुंचा के सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने वो भर्तियों का जिक्र किया है जो सीईटी से बाहर है बिल्कुल दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपकी उसी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी के लिए शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक सभी एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस की क्लास लेकर के आ रहा हूं। स्पेशल साइंस की क्लास जो कि लाइव रहने वाली है बच्चों, जो कि क्या रहने वाली है, लाइव रहने वाली है, रेगुलर क्लास रहेगी लाइव, जो स्पेशल साइंस को टारगेटेड रहेगी। शाम को 6 बजे से 7 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा, सभी एग्जाम के लिए बराबर रूप से बेनिफिशियल है साइंस की क्लास बिल्कुल। इसमें अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, इस प्रकार से टाइम नोट कर लीजिए सभी बच्चे। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक स्पेशल साइंस की क्लास रहेगी जो कि लाइव रहेगी। अगर आपने मेरे से एक बार पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ ली तो आपको दोबारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास के क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा, क्लास के क्लास में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक एक शब्द आपको समझ में आने लग जाएगा। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक अच्छा कमेंट हमें ताकत देता है और गुरु पूर्णिमा निकली है। और आप सभी गुरु और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम, थैंक यू।